राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आकांक्षा स्वामी विवेकानंद के मनुष्य निर्माण के ही दर्शन का प्रतिबिंब है। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद की मनुष्य निर्माण की इसी आकांक्षा को पूरा करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा संस्थापित मार्ग का ही नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारत की विराट सनातन परंपरा के महान संत ज्ञानेश्वर ने भगवान से निवेदन किया है, दूरितों का तिमित हटे, विश्व स्वधर्म सूर्य देखे, अपना अपना वांछित मिले प्राणी मात्र को। संघ ने इसी तर्ज पर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी कार्यप्रणाली एवं क्रियाकलापों को ढाला है। संघ का मानना है कि स्वयं सेवक समाज जीवन के हर उस क्षेत्र में भागीदार होगा जिस कार्य से समाज का, राष्ट्र का एवं मानव मात्र का कल्याण हो। इसके लिए जरूरी है कि हर स्वयं सेवक समाज सेवी बने। वर्ष 1966 में बिहार के अधिकांश भाग में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय बिहार में केबी सहाय के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, जो केंद्र में राज कर रही इंदिरा गांधी सरकार से अकाल में दी जा रही मदद से खुश नहीं थी। बिहार के अंदर सूखे की पृष्ठभूमि पर ही आम चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस सरकार उसमें हार गई। इस अकाल से लाखों लोग प्रभावित हुए थे और जाहिर है कि सरकारी बंदोबस्त सुचारू रूप से न चल पाने के कारण उनके भीतर आक्रोश था। इस संकट की घड़ी में हजारों स्वयं सेवकों ने दिन रात काम करके बिहार के अकाल पीड़ितों में सहायता सामग्री का वितरण किया। संघ के कार्यकर्ताओं ने 971 कुएं खोदे और 21,000 परिवारों में भोजन और वस्त्र बांटे। समूचे सहायता कार्य के प्रभारी जयप्रकाश नारायण ने स्वयं सेवकों का कार्य भी देखा। उन्होंने देखा कि सहायता देते समय हिंदू और मुसलमान में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बरता गया। स्वयं सेवक तो अपना निजी पैसा भी खर्च कर रहे थे। जिन लोगों को सेवा की आवश्यकता होती थी, स्वयं सेवक उन तक स्वयं पहुंचते थे। 6 फरवरी 1967 को एक ऐसे ही अकाल पीड़ित सहायता केंद्र का उद्घाटन करते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा था, संघ के स्वयं सेवकों की निस्वार्थ सेवा की बराबरी कोई नहीं कर सकता, देश का प्रधानमंत्री भी नहीं। यातायात के साधनों के बिना स्वयं सेवकों ने 700 गांवों में सेवा कार्य किया। मुष्टि धान्य अर्थात मुट्ठी भर अनाज हर परिवार से नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत 1,500 क्विंटल अनाज इकट्ठा कर 18,000 परिवारों तक पहुंचाया गया। सस्ती दरों पर खाने की कैंटीन खोली गई। महामारियों को रोकने के लिए 10 चिकित्सा केंद्र खोले गए। अकाल से पशुओं को बचाने के लिए बिहार के कई भागों में पशु आहार केंद्र खोले गए। बिहार की ही तरह सन 1987 में गुजरात में सूखा पड़ा। ऐसा सूखा दशकों से कहीं नहीं पड़ा था। फसलें बर्बाद हो गई थीं और पशुधन चौपट। 18,000 गांवों में से 15,000 को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया। स्थिति भयावह होती जा रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा तत्काल एक पीड़ित सहायता समिति का गठन किया गया, जिसकी पहली योजना थी
पशुधन का संरक्षण, 45,000 से अधिक पशुओं को रखने के लिए 123 शिविर खोले गए, 21,000 गायों को बचाया गया। इसे आगे संरक्षित रखने के लिए स्वयं सेवकों ने कम से कम पानी का इस्तेमाल कर चारे के उत्पादन में वृद्धि की। 2,40,00,000 किलोग्राम हरे चारे का उत्पादन किया गया। सूखाग्रस्त गांवों में पौष्टिक भोजन पहुंचाया जाए, इसके लिए स्वयं सेवकों ने कई कार्यक्रम चलाए। पहला था छाछ वितरण केंद्र, जिसके अंतर्गत 5,000 से अधिक परिवारों को कई महीनों तक बिना मूल्य के छाछ और अनाज पहुंचाया गया। और दूसरा था पौष्टिक रोटी सुखड़ी का संग्रह। सुखड़ी यानी गेहूं के आटे, घी और गुड़ से बनी रोटी। सूखाग्रस्त गांवों में कुपोषण से लड़ने के लिए ये अभियान वरदान साबित हुआ। गुजरात के एक दशक बाद ओडिशा में भी अकाल पड़ा। वर्ष 1997 में स्थिति विकराल हो उठी। 8 जिलों के 4,000 से अधिक गांव प्रभावित थे। इस परिस्थिति से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से कार्य कर रहा वनवासी कल्याण आश्रम सामने आया। 3,771 सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों को चुना गया। 3,771 गांवों में 11,221 क्विंटल चावल, 2,000 से अधिक गांवों के गरीब किसानों के लिए 3,580 क्विंटल बीज, 15,000 से अधिक गांवों के बच्चों के लिए 180 क्विंटल दुग्ध चूर्ण, 170 गांवों की 2,000 गायों के लिए 1,035 क्विंटल चारा वितरित किया गया तथा 508 गांवों में अस्थाई कुएं बनाए गए। प्राकृतिक आपदाओं के समय मनुष्य दुर्बल हो जाता है, उसके मानसिक पटल पर इन आपदाओं की अमिट छाप बनी रहती है। ऐसे में स्वयं सेवक जहां भी सेवा कार्य के लिए जाता है, वहां पर सेवा दूत बनकर सेवा कार्यों में प्रेम और माधुर्य घोलना ही उसका संस्कार बन जाता है।